हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। एंड आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स। मैंने बहुत लंबे समय पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, बट मैं अभी अपने फेस के हेयर को रिमूव करने जा रही थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं फिर से इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसपे मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूं मैं कैसे रिमूव करती हूं एंड क्या नॉर्मल रेजर्स और जो हम लोग फेस पे रेजर्स को यूज करते हैं उस पे क्या डिफरेंस है एंड किस एंगल में उसे यूज करना है ताकि हम लोग के फेस पे कट्स एंड ऑल ना लगे। बहुत सारे मिथ भी हैं अबाउट अ फेशियल हेयर रिमूवल, सो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो विदाउट फर्दर इन डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरे ना पूरे फेस पे बहुत ज्यादा हेयर नहीं है, बस थोड़ा सा चीक्स यहाँ पे हेयर है एंड थोड़ा सा यहाँ पे हेयर है, तो मैंने काफी समय से नहीं किया था एंड थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ग्रोथ है। इसके अलावा मैं फोरहेड पे भी करती हूँ, अपर लिप भी करती हूँ। अपर लिप मैं जब से मैंने घर पे फेशियल हेयर रिमूव करना स्टार्ट करा है मैं अपर लिप कहीं बाहर जाके नहीं करती, भाई तौबा रे तौबा बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा आप रेजर के अलावा आपके सामने एक और ऑप्शन भी आप वैक्सिंग करवा सकते हैं, बट वो बहुत ही पेनफुल रहता है, रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस भी हो सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं, तो वो मैंने कभी वैक्सिंग कभी करवाई नहीं। सो अब आपको क्या क्या जरूरत होता है अपने फेशियल के हेयर्स को रिमूव करने के लिए। एक नॉर्मल सा रेजर, ये है सेनिफिका रेजर एंड ये इसकी ब्लेड देख सकते हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कह सकते हैं नॉर्मल सी ब्लेड्स होती हैं, वैसी नहीं है कि तुरंत आपके कट जाएगा, बहुत ही नॉर्मल सा इसका ब्लेड है एंड इसकी जो ब्लेड्स है वो निकल भी जाती है, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जब भी आप इसको यूज करिए इसको क्लीन करके तब आप यूज करिए एंड जब रखिए तब भी आप इसको अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लीजिए। इसके अलावा आपको एलोवेरा जेल का यूज लगेगा एंड मैं अभी करंटली वाओ का यूज कर रही हूँ, 99% प्योर एलोवेरा है एंड आप इसके अलावा मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए एंड आपको टिश्यू पेपर का भी जरूरत पड़ेगा, कह सकते हैं मेकअप रिमूवर का भी जरूरत पड़ेगा, तो मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर यूज कर रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि अपने जो आपका जो रेजर है उसको क्लीन कर सकते हैं एंड यही सब चीजों का ध्यान रखना है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसको रेजर को यूज करने से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, जो नेचुरल आपकी ग्रोथ है वो उतनी रहेगी, बट ये आपको तुरंत इंस्टेंट आप अपने फेस के हेयर को रिमूव कर सकते हैं एंड बहुत एक्सेस ग्रोथ भी नहीं निकलेगी, कट होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। एंड इसके अलावा आप ये बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है, मैंने पैक ऑफ 3 मंगाया था एंड आई थिंक ये मेरा लास्ट चल रहा है एंड मैं इसको 15-20 बार यूज कर लेती हूँ एक रेजर को, डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली अपने हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं उस पे, सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें एंड इसके अलावा कैसे इसको यूज करना है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया है, अब मैं अपने हेयर्स को टाई कर लेती हूँ। पहले मैं इस पोर्शन पे करूंगी, तो मैं हमेशा एलोवेरा यूज करती हूँ, तो अपने फेस को मॉइस्चराइज जरूर कर लीजिए, ड्राई फेस पे कभी भी रेजर को नहीं यूज करना चाहिए, तो अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए तरीके से। मॉइस्चराइज करने के बाद हमेशा आपका जो रेजर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड में नहीं, इस तरीके से आपको हमेशा अपने फेस के जो हेयर्स है उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर है तो आप फोरहेड से स्टार्ट करिए, वहां पे कटने के चांसेस नहीं है, फिर आप अपने चीक्स पे आइए, देन आपने अपर लिप पे, देन यहाँ पे एंड एब्रो को टच मत करिए। मैं आज तक एब्रो नहीं कभी रेजर से करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके होते, तो हमेशा इस तरीके से लीजिए एंड 45 डिग्री पे रख के बहुत लाइटली इस तरीके से करना है, देख सकते हैं, और थोड़ा सा यहां से पकड़िए, अगर आप यहां से पकड़ेंगे तो थोड़ा ताकत लगेगा, थोड़ा सा यहां से ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे तो ताकत भी नहीं लगेगा और बहुत इजीली सारे हेयर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है मुझे दिखाना, बट दिखाना तो पड़ेगा आपको आई थिंक एंड इसमें भी दिखा देते हो ऐसे करके, बहुत ज्यादा यहां पे मेरी ग्रोथ है। थोड़ा सा और एलोवेरा लगाऊंगी, बिल्कुल भी ड्राई मत होने दीजिए अपने फेस को, और क्योंकि इजली फिर हेयर रिमूव हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा अपनी स्किन को स्ट्रेच नहीं करना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके इस तरीके से करके आप करें, बहुत लाइटली से ऐसे करिए अगर आपको लग रहा है एंड देन इस तरीके से
बट बहुत ही साफ हो गई है मेरी स्किन। अगर आप बिगनर हैं तो मे बी थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, और अगर आप प्रो हो गए ना तो ट्रस्ट मी 10 से 15 मिनट में आप अपने पूरे फेस के हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ 10 मिनट्स ही लगता है अपने फेस के हेयर को रिमूव करने में। फोरहेड पे हल्का सा अपने इस तरीके से पकड़ के, देन मैं अपनी आईब्रोज को नहीं टच कर रही हूँ बिल्कुल भी, देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपके यहाँ पे मिडिल में भी आपके हेयर्स है तो जो रेजर है इसके जो लास्ट वाला पिन है बस उसी के थ्रू इस तरीके से। सो मैंने ऑलमोस्ट अपने पूरे फेस के हेयर को रिमूव कर लिया है। मैं बहुत समय से कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करें और आराम से करें, पेशेंटली करें। एंड आई थिंक वैक्सिंग से ज़्यादा अच्छा ये तरीका है अपने आराम से ही घर पे बैठ के ही अपने हेयर को रिमूव कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल भी रहता है। सो मैंने अपने फेस के जितने भी हेयर थे उनको रिमूव कर लिया है, एंड जहाँ पे अगर पिंपल्स है उसको टच बिल्कुल ही मत करिएगा। एंड चलिए मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया, एंड यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा स्किन सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड मेरा लुक भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद आपको ज़रूरी है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, तो मैं पहले टोनर यूज़ करूँगी थोड़ा सा अपने फेस पे। टोनर अप्लाई करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, इवन आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ एल्फ्स गुडनेस का। सो इसको थोड़ा सा अपने फेस पे लेंगे एंड अच्छे से मसाज कर लेंगे। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, एंड देख सकते हैं कोई भी रेडनेस भी नहीं है एंड कहीं भी एक भी कट भी नहीं लगा है। सो अगर आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी बिल्कुल जो रेडनेस है या कट एंड ऑल है उसके भी चांसेस नहीं रहेंगे। एंड इन केस अगर आपको यूज़ करने के बाद थोड़ा सा पिम्पल्स या बहुत रेडनेस है, इचनेस होती है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, देन आप इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। सो आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर आउट कर दिए होंगे गाइस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। Love you all. Take care. Bye.